हेलो गाइस, वेलकम टू द माइंड मेंटेनर। आज हम लोग बात करेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के सेक्शन 20 के। देखिए सेक्शन 20 क्या कहता है, चैप्टर सेकंड है सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इत्यादि। तो देखिए सेक्शन 20 कह रहा है डिस्क्रिएशन एज अ डिस्क्रीन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस द ज्यूरिडिक्शन टू डिक्री स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज ए डिक्रीनरी एंड द कोर्ट इज नॉट बाउंड टू ग्रांट सच रिलीफ मेरली बिकॉज इट इज लॉफुल टू डू सो बट द डिसर्टेन ऑफ द कोर्ट इज नॉट आर्बिट्रेटरी बट साउंड एंड रीजनेबल guided by judicial principles and capable of correction by a court of appeal। क्या कह रहा है कि संविधान का प्रतिस्थापित पालन जो ये 2008 में प्रतिस्थापित किया गया है, एक पहला कह रहा है कि जहाँ कोई संविधान पक्षकार के वचन के पालन न करने के कारण टूट जाती है, वहाँ पक्षकार जो ऐसे भंग से पीड़ित है किसी तीसरे पक्षकार के माध्यम से या स्वयं के अभिकरण द्वारा प्रतिस्थापित पालन का और ऐसे पक्षकार से कर्जा वसूल सकता है। दूसरा क्या कह रहा है कि द फॉलोइंग आर केसेस इन विच द कोर्ट्स में प्रॉपरली एक्सरसाइज डिस्क्रिएशन नॉट टू डिक्री स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कि संविधा के प्रतिस्थापित पालन के लिए संविधा भंग कराने वाले पक्षकार को 30 दिन की पूर्व लिखित में एक नोटिस देगा 30 डेज के पूर्व एक नोटिस देगा जिसमें संविधा का पालन करने के लिए कहेगा, 30 दिन के पश्चात वह संविधा का प्रतिस्थापित पालन करा सकता है। इतनी बातें ये कह रहा है, मेन यही आपको याद रखना है। देखिए बाकी हैं तो इसमें काफ़ी, देखिए सब्स्टिट्यूटेड है, देखिए इसमें ट्रांसपोर्ट एनर्जी वाटर एंड रेशन कम्युनिकेशंस एंड सोशल ऑफ कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर। सेक्शन 20A क्या कह रहा है कि स्पेशल प्रोविजंस फॉर कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, कि अवसंरचना यानी परियोजना से संबंधित संविधा के लिए विशेष उपबंध W41HA में है। देखिए जहां न्यायालय के व्यादेश द्वारा इंजक्शन द्वारा अवसंरचना परियोजना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की प्रगति में कोई अड़चन आती है या विलंब होता हो तो वहां न्यायालय द्वारा कोई व्यादेश इंजक्शन जारी नहीं किया जाएगा। फिर देखिए अवसंरचना परियोजनाएं जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट परिवहन ट्रांसपोर्ट ऊर्जा एनर्जी जल और स्वच्छता का संचार कम्युनिकेशन जो हमने यहाँ पे देखा था कि देखिए बोल रहा है ट्रांसपोर्ट एनर्जी स्वच्छता कम्युनिकेशन सामाजिक और वाणिज्यिक परियोजनाएं सोशल एंड कम्युनिकेबल इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए ये रहा नाउ सी सेक्शन 20B स्पेशल कोर्ट्स दी स्टेट गवर्नमेंट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन विद दी चीफ जस्टिस ऑफ दी हाई कोर्ट शैल डिजिग्नेट बाय नोटिफिकेशन पब्लिश्ड इन दी ऑफिशियल गजेट ऑन वन और मोर सिविल कोर्ट्स एज स्पेशल कोर्ट्स विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द एरिया ऑफ एक्सरसाइज jurisdiction and to try a suit under this act in respect of contracts relating to infrastructure project। Now see section 20B विशेष न्यायालय स्पेशल कोर्ट्स राज्य सरकार हाई कोर्ट के CJ के परामर्श से जुडिशियल के परामर्श से अवसंरचनात्मक परियोजना संबंधित विवादों के निपटारे के लिए स्पेशल कोर्ट स्थापित कर सकती है। बस ये इतना ही कह रहा है। नाउ सी सेक्शन 20C एक्सपेंडिशन डिस्पोजल ऑफ सूट वादों का शीघ्र निपटारा। लोग इसको देख लीजिए, हम इसको कर रहे हैं स्पीडी ट्रायल। पहला पॉइंट स्पीडी ट्रायल होगा।
सेकंड देखिए, इस अधिनियम के उपबंधों के शीघ्र निपटारे के लिए वाद का निपटारा प्रतिवादी पर समन की तामील से 12 माह के भीतर यानी कि 1 साल के अंदर किया जाएगा। इसका प्रोवाइजो क्या कह रहा है देख लीजिए आप लोग प्रोवाइजो को। इसे लेखबद्ध कारणों को 6 माह से अधिक और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। क्या कह रहा है परंतु किसका, इसे लेखबद्ध कारणों द्वारा 6 माह से अधिक अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। बस ये इतनी बातें कह रहा है, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसमें। अब देखिए हम लोग इसमें बात करते हैं सेक्शन ये चैप्टर 2 का सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ETC यानी सेक्शन 21 की। क्या कह रहा है कि कतिपय मामलों में प्रतिकर दिलाने की शक्ति क्या है ऐसे पालन के स्थान पर 2018 में सब्स्टिट्यूटेड है, यदि वाद पत्र में का उल्लेख नहीं किया गया है तो न्यायालय उस मामले में प्रतिकर दिला सकता है यदि उस संविदा का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जा सकता है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए इसमें 21 पावर्स टू अवार्ड कंपनसेशन टू सर्टेन केसेस क्या कह रहा है कि वन इन द सूट ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट द प्लेंटिफ मे आल्सो क्लेम कंपनसेशन फॉर इट्स ब्रीच आइदर इन एडिशन टू और इन सब्स्टिट्यूशन ऑफ सच परफॉर्मेंस प्लस टू इफ इन एनी सच सूट द कोर्ट डिसाइड्स दैट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आउट नॉट टू बी ग्रांटेड बट दैट देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज विच हैज़ बीन ब्रोकन बाय द डिफेंडेंट एंड दैट द प्लेंटिफ इज इंटाइटल्ड टू कंपनसेशन फॉर दैट ब्रीच इट शैल अवार्ड हिम सच कंपनसेशन अकॉर्डिंगली सब क्लॉज 3 इफ इन एनी सच सूट द कोर्ट डिसाइडेड दैट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आउट to be granted but that it is not sufficient to satisfy the justice of this case and that some compensation for breach of the contract should also be made to be plaintiff it shall award him such compensation accordingly। कह रहा है कि किसी संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के वाद में वादी ऐसे पालन के या अतिरिक्त या स्थान पर उसके भंग के लिए प्रतिकर का भी दावा कर सकता है यदि किसी ऐसे वाद में न्यायालय अब निश्चय करे कि विनिर्दिष्ट पालन तो अनुदत्त नहीं किया जाना चाहिए किंतु पक्षकार के बीच ऐसी संविदा है जो प्रतिवादी द्वारा भंग की गई है और वादी उस भंग के लिए प्रतिकर पाने का हकदार है तो वहां उसे तदनुसार वैसा प्रतिकर दिलाएगा। ये कह रहा है कि किसी ऐसे वाद में कि यदि किसी ऐसे वाद में न्यायालय अब निश्चय करे कि विनिर्दिष्ट पालन को पालन तो अनुदत्त किया जाना चाहिए किंतु उस मामले में न्याय की तुष्टि के लिए इतना ही पर्याप्त नहीं है और संविदा के भंग के लिए वादी को कुछ प्रतिकर भी दिया जाना चाहिए तो वह तदनुसार उसको ऐसा प्रतिकर दिलाएगा। देखिए इससे रिलेटेड एक केस है इसमें कि ये है कि जब वादी विनिर्दिष्ट पालन को असंभाव्य बना देता है तब धारा 21 उसे क्षति मांगने के लिए हकदार नहीं होगी। ये किस केस में कहा गया था, जगदीश सिंह वर्सेस नत्थू सिंह AIR 1992 सुप्रीम कोर्ट 1604 में 1604 में ये कहा गया था। व्हेन द प्लेंटिफ हैज मेड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल सेक्शन 21 डज नॉट इंटाइटल्ड हिम टू सिक्स डैमेज। जगदीश सिंह वर्सेज नत्थू सिंह AIR 1992 सुप्रीम कोर्ट 1604 इतनी बातें करता है। नाउ सी सेक्शन 22 पावर टू ग्रांट रिलीफ फॉर पजेशन पार्टीशन रिफंड ऑफ एयरनेस्ट मनी इत्यादि ETC सब क्लॉज 1 नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग टू द कंट्रेरी contained in the code of civil procedure 1908 5 of 1908 any person suing
for the specific performance of a contract for the transfer of immovable property may in an appropriated case ask for 22 क्या कह रहा है देखिए कि कब्जा विभाजन अग्रिम धन के प्रतिदाय आदि के लिए अनुतोष करने की शक्ति सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का 5 में किसी तत्प्रतिकूल बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी स्थावर संपत्ति के अंतरण की जो संविदा होगी विनिर्दिष्ट पालन का वाद लाने वाला कोई व्यक्ति समुचित मामले में ऐसे पालन के अतिरिक्त संपत्ति का कब्जा या विभाजन और पृथक कब्जा मांग कर सकेगा। क्या कह रहा है इसका देखिए एक मिनट तो ये कह रहा है कि उस दशा में जिसमें कि उसका विनिर्दिष्ट पालन का दावा नामंजूर कर दिया गया हो कोई भी अनंतोष जिसका वह हकदार हो और जिसके अंतर्गत उस द्वारा दिए गए किसी अग्रिम धन या निक्षेप का प्रतिदाय भी आता है। नाउ सी सेक्शन 23 कह रहा है लिक्विडेशन ऑफ डैमेजेस नॉट अ बार टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। इन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, बस ऐसे आप ऊपर से देख लीजिए कोई क्वेश्चन नहीं बनते हैं इनसे कि एक कॉन्ट्रैक्ट अदरवाइज प्रॉपर टू बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड मे बी सो इन्फोर्स्ड थॉट ए सम बी नेम्ड इन इट इज एज द अमाउंट टू बी पेड इन केस ऑफ इट्स ब्रीच एंड द पार्टी डिफर इन Default is willing to pay the same in the court having regard to the terms of the contract and other attending circumstances is satisfied that the sum was named only for the purpose for securing performance of the contract and not for the purpose of giving to the party in default an option of paying money in lieu of specific performance। कह रहा है कि नुकसानी का परिनिर्धारण विनिर्दिष्ट पालन के लिए वर्जन न होगा जिस संविदा का विनिर्दिष्ट प्रवर्तन अन्यथा उचित हो यद्यपि उसके भंग की दशा में संदेह रकम के तौर पर कोई राशि उसमें नामित हो और व्यतिक्रम करने वाला पक्षकार उसे देने के लिए रजामंद हो तथापि उसका ऐसे प्रवर्तन किया जा सकेगा यदि न्यायालय की संविदा कॉन्ट्रैक्ट के निबंधनों और अन्य विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए समाधान हो जाए कि वह राशि केवल संविदा के पालन को सुनिश्चित करने के प्रयोजन से ही नामित है न कि व्यतिक्रम करने वाला पक्षकार को यह विकल्प देने के प्रयोजन से कि वह विनिर्दिष्ट पालन के स्थान पर धन का संदाय कर सके। देखिए ये सबसे कोई क्वेश्चन नहीं बनते हैं इसमें। देखिए 24 नाउ सी सेक्शन 24 इसको गाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू गाइज़।